तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अंबाला में मिड डे मील हेल्पर यूनियन ने बकाया वेतन की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मिड डे मील हेल्पर यूनियन के लोगों ने पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमें जल्द से जल्द हमारा सारा बकाया वेतन दिया जाए। वहीं मिड डे मील हेल्पर यूनियन ने अपनी मांग पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। हमें पिछले 6 महीने से मतलब कि हमें वेतन नहीं मिल रहा। हम मिड डे मील वर्कर हैं, सब बहुत परेशान हैं। हमने पिछले 16 मार्च को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन था। हमने यहाँ डीओ ऑफिस में, डीसी ऑफिस में सबको अपने क्या कहते हैं उसको नोटिस दिया कि हमें वेतन जल्द से जल्द दिया जाए। इन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि हाँ आपका वेतन जल्दी आ जाएगा, पर अभी तक कोई वेतन की कोई संभावना नहीं है। सर हम स्कूलों में कुत्ते लगे हुए हैं, हम स्कूलों में बहुत परेशान है सर। हमें स्कूल से 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बैठने को बोलते हैं, अगर हम नहीं बैठते हैं तो बोलते हैं हम ऊपर आपकी शिकायत करेंगे। और कई बार तो स्कूलों में सर कुत्तों को तंग किया जाता है कि हाँ आप ताले भी आप लगाओगे, सफाई भी आप करोगे, अगर हम ये काम करने के लिए मना करते हैं तो बोलते हैं कि आपको ऊपर तक शिकायत की जाएगी। तो सर कई बार ये होता है कि अब तो लोग सर इतने लाचार हो चुके हैं कि अब हमें लोगों को उधार देना भी बंद कर दिया।